सो हेलो गाइस, सॉल लैंड सीरीज के एपिसोड 221 का ऑफिशियल वीडियो आ चुका है। तो मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 221 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे इससे आगे की स्टोरी को मैंने सॉल लैंड नोवेल के जरिए एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 221 को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें तियानदाव आर्मी कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पर तैंग सैन, ग्रैंड मास्टर और एम्परर शुबैंग आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद तैंग सैन एम्परर शुबैंग को बताता है कि तियानदाव एम्पायर की राजधानी को अचानक हमले से बचाने के लिए मैंने किसी को शाही राजधानी में रहने के लिए हाओ तियान सेक्ट को सूचित करने के लिए भेजा है, ताकि राजधानी की सुरक्षा की चिंता हमसे दूर रहे। तैंग सैन की ये बात सुनकर एम्परर शुबैंग कहते हैं, टीचर इस बार क्या आप तियानदाव आर्मी के वाइस कमांडर बनेंगे? अब इसका जवाब देते हुए तैंग सैन कहता है, सेना को लड़ाई के लिए लीड करना मुझे सूट नहीं करता, लेकिन अगर मैं एनिमी टीम के सॉल मास्टर्स की सेना से निपटता हूँ तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वे मेन बैटलफील्ड में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। तैंग सैन को कॉन्फिडेंट होता देख कर ग्रैंड मास्टर उसे सावधान करते हुए कहते हैं, तैंग सैन युद्ध भूमि में परिस्थितियाँ पल पल बदलती रहती है, तो फिर तुम कैसे अपनी मर्जी से एम्परर को वादा कर सकते हो? अब इसका रिप्लाई देते हुए तैंग सैन कहता है, जहां तक मैं समझता हूं कि मार्शल सोल एम्पायर अपने पास 70,000 सोल मास्टर्स की सेना होने का दावा करता है, लेकिन औसत तौर पर उनके पास लड़ाई लड़ने वाले सोल मास्टर्स की सोल पावर लेवल 30 से नीचे की है और वे सभी 30,000 सोल मास्टर्स बड़े शहरों की सुरक्षा के लिए तैनात है। दक्षिण में मार्शल सोल एम्पायर के 20,000 सोल मास्टर्स अभी भी जियांगला एम्पायर से लड़ाई लड़ने में व्यस्त है, जो कि बैटलफील्ड में लड़ने के लिए सक्षम है। इतना सुनकर अब ग्रैंड मास्टर कहते हैं, लगभग 20,000, लेकिन हमारे पास तो केवल 4,000 से कुछ अधिक सोल मास्टर्स ही हैं। ये सुनते ही तैंग सैंग जल्दी से कहता है, प्लस हमारे पास 2,300 तैंग सेट के डिसाइपल्स और 10,000 टैंक सेट के सैनिक हैं। टैंक सेंग की ये बात सुनते ही ग्रैंड मास्टर और एम्परर शुबैंग का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर कुछ सोचते हुए कहते हैं, टैंक सेट की सेना पूरी तरह से टैंक सेट के सॉल मास्टर से नहीं बनी है, इनमें हमारी सेना के कुछ इलाइट ट्रूप्स भी शामिल हैं। इन ट्रूप्स को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हिडन वेपन्स पर ही निर्भर रहना होगा। हालांकि टैंक्स क्लैन के लिए कम समय में बड़े पैमाने पर हिडन वेपन्स का उत्पादन करना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर टैंक सैन मुस्कुराता हुआ टैंक्स आर्मी के पास जाता है और एक सैनिक से उसका गॉडली जू क्रॉसबो मांगता है। वो सैनिक जल्दी से अपना गॉडली जू क्रॉसबो अपने सेक्ट चीफ को देते हुए बो करता है। अब टैंग सैन उस गॉडली जू क्रॉसबो को लेकर ग्रैंड मास्टर और एम्परर शुबैंग की ओर पढ़ते हुए कहता है, ये एल्डर टाइटन का मॉडिफाई किया हुआ गॉडली जू क्रॉसबो है, जिसमें फाइन आयरन को फाइन स्टील में बदल दिया गया है। हालांकि इसके साइज और वजन में वृद्धि हुई है, पर इसके अटैक इफेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसे विशेष रूप से सेना में उपयोग करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा कहकर तैंग सैन गॉडली जू क्रॉसबो को लोड करके शूट कर देता है, जिसके एरो से टकराते ही एक पत्थर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। गॉडली जू क्रॉसबो के अटैक इफेक्ट को देखकर ग्रैंड मास्टर और एम्परर शुबैंग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद तैंग सैन उस गॉडली जू क्रॉसबो को उस सिपाही को लौटा देता है और फिर एम्परर शुबैंग की ओर बढ़ते हुए कहता है, इसके अतिरिक्त हमारे पास 300 विशेष प्रकार के क्रॉसबो के तीर भी हैं, जैसे कवचभेदी तीर और विस्फोटक तीर। मॉडिफाई होने के बाद इन क्रॉसबो की अटैकिंग पावर में 50% तक की वृद्धि हुई है। इन विशेष तरह के हिडन वेपन्स को फूड्स और बाकी सप्लाई के साथ अग्रिम मोर्चे पर भेजा जाएगा। इतना सुनकर एम्परर शुबैंग कहते हैं, इस लड़ाई में टैंक्स क्लैन के ये हिडन वेपन्स निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन सबके लिए धन्यवाद टीचर। अब टैंग सैन एम्परर शुबैंग को रोकते हुए कहता है, जब तक मार्शल सोल एम्पायर का सफाया नहीं हो जाता, तब तक महामहिम आपको धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मार्शल सोल एम्पायर के कुछ इलाइट सोल मास्टर्स
क्राइसेंथिमा मास्टर के साथ खुफिया मिशन पर निकले थे। अब ये सभी जंगल के एक चोटी के पास रुकते हैं और एक इलाइट सोल मास्टर अपने साथी से कहता है, ओल्ड घोस्ट मास्टर मर चुके हैं जिस वजह से बायोपोलर स्टैटिक फील्ड का फ्यूजन स्किल भी खत्म हो चुका है। इसी वजह से एल्डर युगवान की हैसियत भी मार्शल सोल एम्पायर में गिर गई है। एल्डर युगवान की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। इतना कहते ही वहाँ पे क्राइसेंथिमम मास्टर भी पहुँच जाता है। उसे आता देखकर वो इलाइट सोल मास्टर जल्दी से उसके सामने बो करते हुए कहता है कि इस जंगल को पार करने के बाद आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। ये सुनते ही क्राइसेंथिमम मास्टर तियानदाव आर्मी के सप्लाई लाइन की ओर देखते हुए कहता है, इस बार हमें तियानदाव आर्मी को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें तियानदाव आर्मी कैंप के अंदर एम्पर शुबैंग और पॉइजन मास्टर दुगुबो को दिखाया जाता है। दुगुबो टैंगसांग को आता देखकर खुश होते हुए कहते हैं, लिटिल फ्रैग तुम भी वापस आ गए, मैं भी कुछ जरूरी काम निपटाकर अभी अभी वापस लौटा हूँ। एम्पर शुबैंग अपने टीचर को देखते ही खुश हो जाता है और उठते हुए कहता है, टीचर आप आ गए, कृपया आप ये स्थान ग्रहण करें। अब मीटिंग रूम में उपस्थित दो जनरल्स टैंगसांग को देखते हुए कहते हैं, क्या ये एम्परर शुबैंग का टीचर है? ये तो अभी भी यंग है। ये सुनकर बूढ़ा जनरल कहता है, मैंने सुना है कि किंग लान हाव एक बार एम्परर शुये को बचाने में कामयाब रहे थे और एम्परर को इस सिंहासन तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक साउल मास्टर के रूप में इनकी ताकत और टैलेंट वास्तव में बहुत अधिक है, पर युद्ध नीति के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं है। उन जनरल्स की चुगली सुनकर टैंगसांग एम्परर शुबैंग से कहता है, महामहिम आप मेरी फिक्र छोड़िए, बैटलफील्ड की चर्चा ज्यादा मायने रखती है। ये सुनकर अब एम्परर शुबैंग सभी से कहता है, हमारी आर्मी 10,000 के ट्रूप्स में बटी है और आप सभी उन ट्रूप्स के जनरल्स हैं। फिलहाल हमारी आर्मी मार्शल सोल एम्पायर से अभी 5 दिनों की दूरी पर है। इसी वजह से आज सभी जनरल्स को चर्चा करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। इसलिए मुझे यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि तियानदाव एम्पायर के लिए यह लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जनरल्स इस लड़ाई को जीतने के लिए एक साथ काम करेंगे। जब हम वापस लौटेंगे तब मैं निश्चित रूप से आपके अचीवमेंट्स के अनुसार आप सभी को पुरस्कृत करूँगा। एम्परर शुबैंग की घोषणा सुनकर दोनों जनरल्स उन्हें ग्रीट करते हैं। अब मीटिंग कैंप के बाहर खड़े सिपाही एम्परर शुबैंग को सूचना देते हुए कहते हैं कि मार्शल जी लॉन्ग मीटिंग हॉल के पास पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही एम्परर शुबैंग उन सिपाहियों को आदेश देते हुए कहते हैं, कृपया उन्हें अंदर आने दे। इसके बाद हमें तियानदाव एम्पायर के मार्शल जी लॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि अपने व्हाइट टाइगर से उतर कर सीधा मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें आता देखकर एम्परर शुबैंग टैंगसांग को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं कि यह तियानदाव एम्पायर के मुख्य स्तंभ जीलोंग है। इन्हें 9 लीव्स ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है और ये भी तीनों आर्मी के कमांडर इन चीफ है। इसके साथ साथ ये एक ग्रेट सोलैंड मास्टर भी है। ये सुनकर टैंगसांग मार्शल जीलोंग की ओर देखते हुए खुद से कहता है, यह तियानदाव एम्पायर की सेना में एक लौता पर्सन है जो कि एक पावरफुल ग्रेट सोलैंड मास्टर है। अब तुरंत ही मास्टर जीलोंग एम्परर शुबैंग के सामने बो करते हुए कहते हैं, महामहिम मैं अभी अभी पेट्रोलिंग करके लौट रहा हूँ। फिलहाल हमारी सेना में सब कुछ सामान्य है, पर मार्शल सोल एम्पायर ने पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दिखा दी है। जियालिंग पास के सामने उनकी सेना इकट्ठी होती जा रही है। जियालिंग पास तियांगलिंग के पहाड़ियों के बीच में स्थित है। वो पहाड़ी रास्ता बहुत ही पतला है और उसे पार करना बहुत ही खतरनाक है। मार्शल सोल एम्पायर ने पहले ही जियालिंग पास पर कब्जा कर लिया है। इस एक किले को कब्जाने के बाद मार्शल सोल एम्पायर इसकी प्राकृतिक ढाल की मदद से अजय बन गया है। मार्शल जीलोंग के इतना कहने के बाद हमें जियालिंग पास के किले में हो रही युद्ध की तैयारियां दिखाई जाती हैं। इस किले में एक बहुत ही बड़ा दूरबीन भी है जिसकी मदद से दूर खड़े सेना की गतिविधि पर निगरानी रखी जा सकती है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ईगल क्रॉसबो भी फिट किए गए हैं। इसकी मदद से कई किलोमीटर दूर से ही अपने दुश्मन को निशाना लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो
ये पूरा किला एक बख्तरबंद इमारत है जिसपे चढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब मार्शल जी लॉन्ग आगे कहते हैं कि जियालिंग पास किसी भी आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम इस युद्ध में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इस बाधा को तोड़ना होगा। ये सुनकर एम्परर शू बैंग सभी से कहते हैं कि जियालिंग पास की दीवारें 100 मीटर ऊंचे और 100 मीटर मोटे हैं। इसी वजह से मार्शल सोल एम्पायर की सेना का सामना कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या होगा अगर हम तियानलिंग के पहाड़ियों से घूमकर अन्य दिशाओं से इस किले पर हमला करें? अब इसका जवाब देते हुए मार्शल जी लॉन्ग कहते हैं, उम्मीद तो कम है, पर अगर हम इन पहाड़ी रास्तों से बचकर मार्शल सोल एम्पायर के भीतरी इलाकों में प्रवेश करना चाहें तो भी इसके सामने जाना हमारी सेना के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। इस जगह पर दुश्मन के द्वारा रोके जाने की अत्यधिक संभावना है। इतना सुनते ही वो बुजुर्ग जनरल एम्परर शू बैंग से कहता है कि मार्शल जी लॉन्ग ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। जियालिंग पास को तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस दर्रे के पहले और बाद का हिस्सा समतल भूमि है। जैसे ही हम इसे पार करेंगे तो हम सीधे पुराने बराक राज्य के सीमा क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। इसलिए अगर यह हमला सक्सेसफुल नहीं होता है तो पीछे हटना ही हमारे लिए उचित होगा। पूरे मंत्रिमंडल का मानना है कि जियालिंग पास को तोड़ना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए महाराज सबसे अच्छी नीति आगे बढ़कर हमला करना और बचाव करना है। ये सब सुनकर एम्परर शू बैंग चिंता करते हुए कहते हैं, अगर ऐसा है तो सब कुछ हमारे असली योजना के अनुसार होगा। अब ग्रैंड मास्टर उन्हें याद दिलाते हुए कहते हैं कि मार्शल सोल एम्पायर ने कुछ समय पहले जियालिंग पास के सामने लीमा मैदान पर कब्जा कर लिया था, इसलिए मुझे डर है कि हमारे जियालिंग पास पर कब्जा करने से पहले वे हम पर हमला करने के लिए लीमा मैदान में पहले ही उतर जाएंगे। ये बात सुनकर मार्शल जी लॉन्ग ग्रैंड मास्टर का सपोर्ट करते हुए कहते हैं, बेशक ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हमारे पास सॉल मास्टर्स की कमी नहीं है, पर खुले मैदान की लड़ाई में आर्मी को ज्यादा फायदा होता है। मैदानी इलाकों में लड़ने वाली 10 लाख की सेना को और भी बड़ा फायदा होगा। साफ तौर पर कहूँ तो मार्शल सोल एम्पायर ने लगभग 10 से अधिक राज्यों पर कब्जा किया है, लेकिन वास्तव में युद्ध के मैदान में भेजे जा सकने वाले सैनिकों की कुल संख्या 6 लाख से ज्यादा की नहीं है। स्टार द एम्पायर से लड़ने के लिए मार्शल सोल एम्पायर की जितनी सेना गई है, अगर उसे हटा दे तो हमसे भिड़ने के लिए उनके पास केवल 4 लाख सैनिक बचे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि अगर हमारी रणनीति ठीक रहे तो मैदानी इलाकों से लड़कर हम जीत हासिल कर सकते हैं। टैंग सेंग उन सभी की बातों को बड़े ही गौर से सुन रहा था, लेकिन जब मार्शल जी लॉन्ग ने खुले मैदान पर पूरी लड़ाई लड़ने का निष्कर्ष निकाला तो टैंग सेंग उन्हें सावधान करते हुए जल्दी से बोल पड़ा, 10 लाख की सेना होना वाकई में हमारा फायदा है, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ एक नुकसान भी है। टैंग सेंग की ये बात सुनकर मार्शल जी लॉन्ग तुरंत उससे उस नुकसान के बारे में पूछते हैं, और फिर यहीं पे एपिसोड 221 का पहला पार्ट खत्म होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और अगर आप एक नए नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।